नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओरिजिनल ज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं आ गया हूँ सोनालिका ट्रैक्टर के वर्कशॉप पे और आप लोगों को कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाने वाला हूँ। कुछ ऐसे बच्चों से बातचीत करेंगे हम जो RTI कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे आए हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस वर्कशॉप के मिस्त्री हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, ये बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप बताएं कि यहाँ पे कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं और आपको कितने साल का अनुभव है? सर मेरे को तो यहाँ 5-6 साल हो गए हैं, अनुभव तो 20-25 साल का है। वाह, वेरी गुड। और ये बच्चे लोग तो 2-3 साल से आ रहे हैं हमारे यहाँ सीखने के लिए। मारुताल से ही आते हैं। अच्छा, ITI करते हैं ये। कभी इनके माँ साहब भी आते हैं कभी कभी साथ में। अच्छा जी, फिर अभी इस साल अभी बीच में बंद हो गए, बच्चे ही लोग आते हैं। अच्छा, अभी फिर बीच में बंद हो गया था, फिर आने लगे बच्चे आजकल से। हाँ, तो बच्चों को आप सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? जी हाँ, बताते हैं, जो भी पूछता है, नहीं भी पूछता तो भी बताते हैं। अच्छा, कि भाई ये देखो फिल्टर ऐसा खोला, ये गड़बड़ है, इसको नया लेके आए, कैसा लगाना है ये भी दिखाते हैं। कोरिंग लगाना है इसमें, कोरिंग के अलावा एयर कैसे निकालनी है ये भी बताते हैं। कूलेंट कैसे डालना है ये भी बताते हैं। हवा का दबाव, वैसे ही पढ़े लिखे बच्चे हैं तो उतना तो समझते हैं वो। बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे, ये बच्चे हैं इनसे। तो बेटा कौन से कॉलेज से आए आप? गवर्नमेंट ITI मारुता। अच्छा। कितने दिन से यहाँ आ रहे हैं सर? हम लोग की 15 दिन की 2 कोर्स होते हैं। एक में होता है क्या, सिर्फ साल में 15 दिन का होता है या एक साल का कोर्स रहता है? अच्छा। उसके अंदर 15 दिन के 2 बैच टाइप के रहते हैं। अच्छा। उसके अंदर पहले में हम लोग के लिए पास के भी जो औद्योगिक संस्थान होते हैं। अच्छा। वहाँ पे जाके सर्विसिंग की मतलब ओवरऑलिंग करना पड़ता है। अच्छा। और उसके बाद 15 दिन रहते हैं, उसमें जो उसकी सेल्स रहता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। हम लोग की 15 दिन की हो गई है, उसके बाद सेल्स पे जाना है हम लोग। अच्छा, क्या कुछ सीख पाया आपने? सर इसमें सर्विसिंग के बारे में पूरे सीख चुके हैं, जो फिल्टर वगैरह चेंज करना है, कूलेंट की मतलब कितनी दिन बाद कूलेंट को डालना है। अच्छा। या फिल्टर को कैसे साफ करना है। अच्छा। वगैरह वगैरह। अच्छा, सर्विसिंग में मुख्य क्या क्या काम होता है? सर मुख्य सबसे पहले तो होता है ऑयल चेंज। अच्छा, ऑयल चेंज। और उसके बाद होता है जैसे फिल्टर रहते हैं, फ्यूल फिल्टर, हाइड्रोलिक फिल्टर, इनको चेंज करना। और डैशबोर्ड पर जो सर्विसिंग का साइन आता है उसे भी हटाना। अच्छा। कितने दिन हो गए आपको? सर यहाँ पे 15 दिन ये हो गए और 4 दिन अभी के हुए, मतलब 19 दिन हो गए। 19 दिन। चलो बहुत वेरी गुड। आपका शुभ नाम क्या है बेटा? सर दीपक जाटव। आप भी उसी कॉलेज से आए हैं? जी मारुताल। ITI। आपने क्या कुछ सीख पाए? सर हमको 4 दिन आए हुए है, तो इसमें मैंने इसको कैसे खोदे ट्रैक्टर के लिए, और इसके पार्ट्स में क्या क्या औजार उपयोग होते हैं। अच्छा। और कहाँ पे इनको उपयोग किया जाता है। अच्छा। और इनको कैसे खोलना, किस तरीके से बंद करना है। अच्छा। ये अभी सीखा है मैंने। आप बताएं आप कौन से कॉलेज से आए? मैं भी मारुताल ITI कॉलेज से आया हूँ। मेरा नाम सौरभ अहरवार है और मैं ग्रामीण वाली रांची के निवासी हूँ। मैं भी यहाँ मतलब 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, ये मेरा दूसरा पार्ट है और 4 दिन हो गए मुझको आते हुए। आपने क्या कुछ सीख पाए? यही सर्विसिंग का सीखा है और कुछ सेलिंग का भी सीखा है। सर्विसिंग मतलब कि कितनी अवधि के बाद पार्ट्स चेंज करने चाहिए, मतलब देखना चाहिए मतलब कहीं से ऑयल में लीकेज तो नहीं हो रहा है, ओरिंग कैसे चेंज करते हैं, ये सब सिखाया जाता है हम लोगों को। कितने अवधि के बाद चेंज करते हैं? जैसे फर्स्ट सर्विसिंग होती है वो 50 घंटे के बाद होती है, और सेकंड होती है वो 250 घंटे के बाद होती है, फिक्स रहता है उनका। हाँ, तो ऑयल ऑयल के बारे में जानकारी प्राप्त किया है आपने? हाँ, मिस्त्री हैं यहाँ के, उन्होंने से मतलब कि पूछा था कि इतने ऑयल मतलब कि ग्रेड कैसे चेक करते हैं, ग्रेड चेक करके उसमें ऑयल डालते हैं ऐसा, और ऑयल की मतलब क्वांटिटी जानता चेक करते हैं कि ऑयल कितना गाढ़ा है कितना पतला है, ये सब चेक। हाँ, तो सर्विसिंग फर्स्ट कितने में होती है, सेकंड कितने में होती है, मालूम हो गया है? हाँ हाँ हो गया। कितने में होती है? फर्स्ट 50 में होती है और सेकंड 250 घंटे के बाद होती है। अच्छा। और सर्विसिंग में क्या क्या चीज खोलना पड़ता है? सर्विसिंग में जो जो फिल्टर्स होते हैं, अगर वाटर सेपरेटर में अगर पानी उसमें लाल रिंग रहती है, जो अगर पानी भर जाता है तो ड्रेन स्क्रू खोलकर पानी भी निकालते हैं, और जो फिल्टर्स रहते हैं, फ्यूल फिल्टर रहते हैं, डीजल फिल्टर, हाइड्रोलिक फिल्टर, ये सब चेंज करते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे, कुछ नए लड़के हैं, 1-2 दिन हुआ है इन लोगों को आए, अब इनसे भी पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या नॉलेज प्राप्त किया है। आप कौन से कॉलेज से आए? सर मारुताल से, ITI कॉलेज से। अच्छा, ITI। क्या नाम है आपका? सर अरविंद रजक। अरविंद रजक। सर रजक जी, आप क्या कुछ सीख पाए? सर अभी तो हम पहला दिन है, अभी कुछ वो ज्यादा नॉलेज नहीं हुआ है। सर
फिर भी ट्रैक्टर का कुछ नाम उम टायर आयर हाँ, और फिल्टर उल्टर कछु चाबी हाँ, सर ये तो है पता हाँ, सर्विसिंग होती है तो उसमें पहले हमको ऑयल देखना पड़ता है कि खराब हो गया तो पहले ऑयल सबसे मेन सर्विसिंग में ऑयल ही रहता है उसे ही चेंज करना पड़ता है हाँ। फिर पहली सर्विसिंग 50 घंटे पर होती है फिर सर अगर दूसरी करवा रहे हैं तो दूसरी और तीसरी भी 250-300 घंटे पर होती रहनी चाहिए तो ट्रैक्टर अच्छा चलता रहता है सर ऐसा कुछ रहता है सर। आप बताएं। मैं भी सर मारुताल आईटीआई मारुताल कॉलेज से हूँ। मेरा नाम जगदीश सिंह है। मैं मुझे यहाँ पर 2-3 दिन हो गए अभी। इसमें 2-3 दिन में मैंने सर यहाँ पर ऑयल फिल्टर इसमें ट्रैक्टर में दो रहे थे ऑयल फिल्टर उन दोनों ऑयल फिल्टर को कैसे चेंज करना है और एयर क्लीनर को भी चेंज और डीजल फिल्टर भी कुछ जो पुराने मॉडल के ट्रैक्टर उसमें दो रहे थे तो उसको भी चेंज कर यही सीखा अभी। तो जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों मैंने कुछ कॉलेज के बच्चे थे इन लोगों से बातचीत किया और इन लोगों के अनुभव को जाना तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और हमें बच्चों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा काफ़ी अच्छा खासा इन लोगों को नॉलेज भी हो गया और आप लोगों को इस वीडियो से और इन बच्चों से बातचीत करके कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।